दोस्तों, अगर आप भी अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करना चाहते हैं दोस्तों, अपने शॉर्ट्स चैनल को ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने शॉर्ट्स चैनल को जल्दी से जल्दी एक महीने के अंदर अंदर आप अपने शॉर्ट्स चैनल को ग्रो कर सकते हैं, वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लग जाएंगे। दोस्तों, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं की तरह मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी एक और न्यू वीडियो में। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके अपनी वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहले नंबर की ट्रिक है दोस्तों, वो आती है यहाँ पर, आपको दिन में कम से कम दोस्तों यहाँ पर आपको 3 वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी शॉर्ट्स। दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो को ग्रो करना है, अपने शॉर्ट्स चैनल को ग्रो करना है, तो आपको एक दिन के अंदर कम से कम 3 शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों, उन शॉर्ट्स वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी देनी है जिससे कि लोग उनको ज़्यादा देर तक देख पाएँ। दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आपका कोई भी वो क्लिक थ्रू रेट तो होता नहीं है, बस उसके अंदर होता है ऑडियंस रिटेंशन। दोस्तों, अगर जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा देर तक देखेगी तो आपके जो सोर्स है वो और लोगों तक पहुँचाई जाएगी और आपकी सोर्स वीडियो वो वायरल हो जाएगी ऐसे ही। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपकी जो सोर्स वीडियो है उसकी लेंथ आपको थोड़ी कम रखनी है, अपनी सोर्स वीडियो को आपको शॉर्ट ही रखना है। आपको अगर आप उसको, वैसे तो आप सोर्स वीडियो कम से कम 60 सेकंड तक आप बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 60 सेकंड की बनाते हैं तो आपकी जो सोर्स होती है उसको वायरल होने के चांस बहुत कम होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 30 सेकंड से कम की वीडियो आपको कोशिश करने की, आप 30 सेकंड से कम की वीडियो ही अपलोड करें शॉर्ट्स से। अगर आप 30 सेकंड से कम की वीडियो को अपलोड करते हैं तो अगर आप कोई भी जो आपकी वीडियो को देखता है वो कम से कम आपकी वीडियो को अगर 5 या 10 सेकंड देख लेता है तो आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो यहाँ पर 20-30% दोस्तों हो जाएगा, और ऐसे आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपनी वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखनी है, और दोस्तों अपनी वीडियो की जो एडिटिंग है वो आपको नेक्स्ट लेवल की रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो शॉर्ट्स वीडियो उसकी अगर आप एडिटिंग अच्छी करते हैं तो जो ऑडियंस उसको देखती है उसका थोड़ा उसके अंदर उनको मज़ा आता है उस वीडियो को देखने के अंदर, उनका थोड़ा अटेंशन बन जाता है वीडियो के अंदर, जिससे कि वो वीडियो उनको रोके रखती है। और उनके उसके लिए आपको क्या करना है, आप वीडियो के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो उससे भी ऑडियंस का खिंचाव आपकी वीडियो के अंदर बनता है, क्योंकि टेक्स्ट आपने खुद भी देखा होगा, जिस वीडियो के अंदर आप टैक्स लगा देते हैं उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके अंदर आपका और भी आगे देखने का मन करता है दोस्तों। और आपको क्या करना है, आप गूगल से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। मैंने कल ही वीडियो डाली थी, वो उस वीडियो को आप देखकर उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी जैसे कि आप एडिटिंग की वीडियो डालते हैं तो आपको एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और उस पर आपको वॉइस ओवर कर सकते हैं जिससे कि आपकी वीडियो और भी अच्छी तरीके से बन जाती है, नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। और इससे आपकी जो शॉर्ट्स वीडियो होती है वो जल्दी से जल्दी वायरल होने के चांस बने रहते हैं। और दोस्तों, जो ट्रिक नंबर लास्ट है दोस्तों, वो है कि आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर हैशटैग का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो के अंदर हैशटैग का उपयोग करते हैं तो आपकी जो शॉर्ट्स वीडियो होती है उसके वायरल होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको शॉर्ट्स हैशटैग कैसे यूज करने हैं, आपकी वीडियो से रिलेटेड आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, और 2 हैशटैग आपको लगा देने हैं, एक तो हैशटैग शॉर्ट्स और एक हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये तो आपको सभी में लगाने हैं। और भी आप हैशटैग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी 100% शॉर्ट्स वीडियो वायरल होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।